मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं कक्षा 10वीं में ज्योतिवा राव हाई सेकेंडरी स्कूल जवा के छात्रों का हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के संचालक शंभू सिंह के द्वारा मुंह मीठा कराकर उन्हें पुष्प गुच्छ से सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ज्ञात हो कि ज्योतिवा राव हायर सेकेंडरी स्कूल जवा के छात्र सत्यम दुबे बरौली ठकुरान के निवासी गणित में 500 में 448 अंकों के साथ 96.8% प्राप्त कर प्रदेश स्तर पर 8वां स्थान हासिल कर विद्यालय के साथ जिला तहसील गांव एवं उनके माता पिता का नाम रोशन किया। वहीं विद्यालय के छात्र सत्येंद्र सिंह पथरौड़ा के छात्र कक्षा 12वीं में भी गणित संज्ञा में 96% अंकों के साथ रीवा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके साथ ही श्रेष्ठ छात्रों ने अपने माता पिता और विद्यालय के संचालक और शिक्षकों को दिए हैं। आज आपके विद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी है, जिले में नाम रोशन किए हैं, खासकर ब्लॉक स्तर नंबर 1 पर है। सर, इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या बने? जिन बच्चों ने ये अथक प्रयास करके प्रदेश की और ज़िले की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है, उनको हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद देते हैं। और निश्चित तौर से ये मेरी जो है 34 साल से संस्थाएं हमारी चल रही हैं और 34 साल की जो ये लक्ष्य था वो निश्चित रूप से इस वर्ष खासकर सत्यम दुबे ने और इन दोनों लड़कों ने पूरा किया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, अन्य बच्चों को? अन्य बच्चों को कहना चाहें कि इन बच्चों से सीख लेकर के बच्चों को अथक प्रयास करना चाहिए और बच्चों को, क्योंकि बच्चों का शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसे ग्रहण करने के लिए बच्चों को प्रयास करना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए। जिन्होंने आज प्रदेश में अपना गणित संकाय में 8वां स्थान हासिल किया, जी आप पिताजी हैं सनत कुमार दुबे जी, जी कैसा महसूस हो रहा भाई? सर छात्र की हो गया गर्व महसूस हो रहा है और साथ में जिस विद्यालय मेरा बच्चा पढ़ रहा है मैंने इसमें पढ़ाया भी है तो विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, और मैंने भी समय समय पर जो है निगरानी की है कि बच्चा जो है दूसरे रास्ते में ना जा करके बल्कि पढ़ाई की ओर जाए, तो बहुत खुशी मिली सर। विद्यालय के शिक्षकों का भी सहयोग रहा, विद्यालय का भी योगदान है, साथ में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैंने विद्यालय की शिक्षा से आप पूरी तरह से जी हाँ सर, LKG से पढ़ा है मेरा बच्चा इस विद्यालय में, बच्ची भी पढ़ी है, उसके भी 92% थे इसी विद्यालय में, पहली पोजीशन थी। तो विद्यालय तो मैं सोचता हूँ जवा क्षेत्र में नंबर 1 पर है पढ़ाई के मामले में। बालक को काफ़ी प्रयास किया, मेहनत किया और विद्यालय के गुरुजनों ने भी अच्छा उसको योगदान दिया, यही मेरी कामना है कि और आगे आने वाले समय में, अभी 96% 8.0 है, हम ये चाहते हैं कि 12वीं में इसका आए 98% रिजल्ट आए। पहली बात तो ये है कि माता पिता अपने बच्चों को यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर पहुँचे कि घर परिवार के साथ साथ समाज राष्ट्र देश का कहीं ना कहीं विकास हो। और विद्यालय में तो हम यहाँ आज 20-21 साल हुए कार्य करते, जब से कार्य कर रहे हैं तो 20-21 साल के अंतराल में अच्छी प्रतिभाओं ने जन्म लिया, लेकिन ये ऐसा पहला दौर है जो हमारे इस संस्थान में टॉप 10 में बच्चों का नाम आया, जिले में नाम आया, इसके लिए हमको बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है। विद्यालय के अपने ज्योतिवा राव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवा के छात्रों सत्यम दुबे ने कक्षा 12वीं गणित संकाय में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया, सत्येंद्र सिंह जी ने अपने जिला में मेरिट सूची पर है मैथ 12वीं में, अम्बिकेश्वर गुप्ता ने भी आज हमारे 10वीं में एक जिले में तीसरा स्थान ला करके प्रदेश के साथ साथ अपने जवा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं को? इसमें हमारे विद्यालय के जो टीचरों का हमारे बहुत सहयोग रहा, उनको गाइडलाइंस टीचरों को दे रहे हैं कि आप लोग ऐसा पढ़ाइए, हमारे अध्यक्ष महोदय ने
यहाँ रह करके और गाइडलाइन देखे टीचरों को अच्छी तरह से दिया और मैं भी साथ में उनको साथ देता रहा और बच्चे अच्छी तरह से मेहनत करके टीचरों ने अच्छी मेहनत करके उनको सफलता दिलाई, उसके लिए मैं बच्चों को धन्यवाद दिया। और सर आगे आप क्या प्रयास करेंगे? मैं यही प्रयास करता रहूँगा कि आगे भी बच्चे इसी तरह से अगले वर्ष भी इसी तरह से विद्यालय का नाम रोशन करें और प्रदेश और जिले का नाम रोशन करें। धन्यवाद भाई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।